नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड। और आज तुम्हारा भाई टाइटन लेके आया है। भाई टाइटन टीमिंग, ठीक है, ये मेरे को लावा केव के पास मिला था, ओशियन में, ओशियन के पास कॉर्नर पे। तो भाई वहाँ होता ओशियन, ठीक है, तो ओशियन में अगर ये चला गया तो भाई टीम करना इसको भूल ही जाओ। तो इसलिए भाई इसको एग्रो करवा के तुम्हारा भाई सीधे ग्रीन ऑफ तक लेके आया, एंड ग्रीन ऑफ से अभी इसको सेंटर की तरफ लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, रेड ऑफ की तरफ। बट सिर्फ एग्रो नहीं, टॉर्पर भी दे रहा हूँ मैं इसको बराबर आरपीजी मार मार के। सो मेरा टॉर्पर का भी काम हो रहा है, एंड ये मेरे साथ साथ जो है मैप के बीच में भी आ रहा, तो इसको भागने की जगह नहीं मिलेगी एंड मैं इजीली टेम कर सकता हूँ इसको। तो भाई इसको टेम करने के लिए मैंने 25 से 30 आरपीजी लिए, प्रिमिटिव वाले, ठीक है, असेंडेंट नहीं लिए, बिकॉज असेंडेंट के अंदर डैमेज ज़्यादा होता है, इसके मरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो असेंडेंट ना लेके प्रिमिटिव ले लेना 25-30 रॉकेट लॉन्चर आप, और 200 से 250 मैंने रॉकेट लिए हैं, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, पहली टाइमिंग है इसकी वजह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई कि सैडल पहले रेडी रखना, भाई सैडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है, अगर सैडल नहीं है तो आप टेम नहीं कर पाओगे। तो सैडल पहले बना के रखना, मैंने बना के रखी हुई है, ग्रिफिन के अंदर है। सो इसको टेम करने का एक प्रोसीजर और है भाई, क्विटजल के ऊपर आप प्लेटफॉर्म सैडल लगा के देन कैनन से इसके हेड पर अटैक कर सकते हो, जो कि बहुत हार्ड है भाई, एंड क्विटजल स्लो भी होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो करने से अच्छा है भाई, सबसे अच्छा आप जो है ग्रिफिन ले लो एंड रॉकेट लॉन्चर्स ले लो और इसके हेड पे ताबड़तोड़ हमला कर दो, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू क्विटजल। और एक चीज़ भाई अगर मैं बता दूँ कि अगर टाइटन कहीं पर फंसा हुआ है, ठीक है, लाइक किसी पत्थर, दो पत्थर भी अगर हैं और उनमें फंसा हुआ है, मूवमेंट नहीं हो रही है इसके अंदर, तो भाई मत मारना इसके, बिकॉज अगर इसका हेड शेक नहीं हो रहा है दैट मीन्स इसको टॉर्पर नहीं चढ़ेगा, बट इसकी हेल्थ डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो इससे इसके मरने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसको फंसने मत देना कहीं भी, अगर ये फंस जाता बाई चांस तो वेट करना इसके निकलने का, नहीं तो इसका हेड एकदम जाम हो जाएगा। अभी इसमें देख सकते हो आप सीन में, दो बार इसने हेड शेक किया अपना, पर थर्ड टाइम ये फंस गया तो इसने हेड शेक नहीं किया इसका, और इस टाइम पर इसको टॉर्पर नहीं चढ़ रहा, सिर्फ डैमेज जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ठीक है, फंसना नहीं चाहिए ये, अगर फंस गया तो इसको निकलने देना, वेट करना, टॉर पर इतना जल्दी इसका डाउन नहीं होगा। तो यही प्रोसीजर है भाई इसको टेम करने का, ठीक है, एंड देख रहे हो आप कि मैं इसको एग्रो करवा के एंड टॉर पर दे के इसको मैप के सेंटर तक लेके ऑलमोस्ट आ ही गया हूँ, ठीक है, रेड वुड तक इसको मैं लेके आऊँगा, रेड वुड एंड वॉलकैनो की जो रिवर है उसके बीच में इसको फंसा के देन मैं इसको टेम करूँगा आराम से। तो यही मेथड है भाई इसको टीम करने का। और एक चीज़ मैं बताऊं भाई, इसको ट्रैप मत करना, ठीक है, ट्रैप करने के लिए आपको ज़्यादा बड़ी बैटलमेंट्स लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा बेटर नहीं है भाई, उससे अच्छा आप इसको तो मैप के सेंटर पे ला सकते हो, टॉर पर दे के ये आपको पीछे वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये टेम भी होता रहेगा और आपके साथ मैप के बीच में भी आ जाएगा, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अभी आप देख रहे हो भाई मैं इसको लेके आ चुका हूँ, ठीक है, वॉलकैनो एंड रेडवुड के बीच की जो रिवर है वहाँ पर ये आ चुका है मेरे साथ, एंड ये अभी पेड़ों पर फंस गया है। सो वेट करते हैं इसके निकलने का, और ऑलमोस्ट ये निकल चुका है, अब इसको भाई दोबारा से अटैक करते हैं। सो गाइज यही प्रोसीजर है इसको टेम करने का, ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना खाली, अगर ये फंसा हुआ हो तो इसको अटैक मत करना, ठीक है, जब ये निकल जाए तब इसको अटैक करना, ग्रिफिन होगा आपके पास, ग्रिफिन फास्ट होता है भाई क्विटजल से, तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, आप इसके हेड पर ईजिली अटैक कर सकते हो, थोड़ा मतलब वेट करना, जैसे एंगल मिल जाए वैसे इसके हेड पे अटैक कर देना, ठीक है, इसका लाइक वैसा टॉर्पर नहीं होता कि डाउन होता रहेगा, इसका टॉर्पर रुक जाता है, तो आप वेट करके इसको आराम से मार सकते हो एंड टीम कर सकते हो। तो गाइस तब तक देखो प्रोसेस इसका क्या है टीमिंग का, ठीक है, एंड मैं आपसे वीडियो का लास्ट में मिलूँगा, तब तक के लिए कुछ नहीं, बस देखो इन्जॉय करो, ठीक है।
तो देख रहे हो भाई ऑलमोस्ट डन हो गया इसका टॉर्पर, ठीक है। एंड ये टेम होने वाला, बस एक आरपीजी इसको और लगनी है, देन ये टेम है, और वो भी आरपीजी मैं मार ही दूंगा इसको। ठीक है, निशाना तुम्हारा भाई का तुम्हें पता ही, निशान ची हूँ जो कि देख रहे हो लग गया, ठीक है। विश शॉट भी लग गया इसको, तो चलो अभी इसको भाई सैडल पहनाते हैं एंड देन इसको टेम कर लेते हैं भाई। अब सैडल थे ग्रिफिन के अंदर, देख रहे हो रॉकेट लॉन्चर्स भी रखे हुए हैं, तो ये मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए थे क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेना, पहली टेमिंग थी उसकी वजह से। सो सैडल बना दी एंड ये लोड भाई टाइटन हो गया टेम हमारा, ठीक है। यही प्रोसीजर है गाइस, यही प्रोसीजर फॉलो करना, आप सब भी भाई इसको टेम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सबको भाई, स्टे सेफ, स्टे होम, ध्यान रखना अपना, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।